हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां पे आज हम करने वाले हैं रैप और मर्ज। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रैप की। रैप क्या होता है बेसिकली। दोस्तों आप यहां पे देखें, मैंने एक डेटा क्रिएट किया हुआ है जिसमें नेम, फादर्स नेम और कुछ सब्जेक्ट यहां पे लिखे हुए हैं। अब यहां आप नोटिस करो, मैंने लिखा है फादर्स नेम, लेकिन सेल का साइज कम होने की वजह से ये इसमें आपको पूरा नजर नहीं आ रहा, जबकि आप फॉर्मूला बार में देखें यहाँ पूरा पूरा लिखा है फादर्स नेम। तो अब क्या होगा कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे करता हूँ रैप, तो रैप में क्या होगा कि जितना भी वर्ड उस सेल के क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है वो उस पूरे वर्ड को यहाँ नीचे में शिफ्ट कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अब अगर हम इसे ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधा आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इसे ऊपर कर सकते हो, और आप चाहो सेंटर में करना तो आप यहाँ से इसे सेंटर में कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन हमें मिलता है मर्ज का, वो क्या होता है। मर्ज में दोस्तों ये होता है कि जो आपके यहाँ पे सेल आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल हैं, जितने यहाँ बॉक्सेस हैं। तो अगर यहाँ पे मैं दो या दो से ज़्यादा सेल को मिला के अगर एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं मर्ज ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर आपको ये ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, एक, दो, तीन, चार सेल है। मैं इन चारों सेल को मिला के एक सेल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो आप मर्ज पे क्लिक करोगे, आप नोटिस करोगे कि अब ये एक सेल बन गया है और मैं जो भी लिख रहा हूँ वो इस एक सेल में आ रहा है। तो ये होता है मर्ज ऑप्शन, जिसमें क्या है कि आप नंबर ऑफ सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मिला के एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब आप मर्ज एंड सेंटर के साइड में आप देखोगे तो आपको यहाँ चार ऑप्शन मिलता है जब आप इस एरो पे क्लिक करते हो। एक मिला मर्ज एंड सेंटर, अक्रॉस सेल और अनमर्ज। इन चारों ऑप्शंस का यूज़ क्या होता है, तो क्या करते हैं इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस पे करते हो सबसे पहला ऑप्शन मर्ज एंड सेंटर, तो मर्ज मतलब क्या हुआ कि ये जो जितने भी सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं इन सभी सेल को मिला के एक सेल बनाएगा, पहली चीज। दूसरा ये क्या करेगा कि वो जो लिखा हुआ है मैंने इसमें, जैसे मैंने लिखा इसमें राहुल चौधरी, तो ये चीज ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगी, यानी ये जो एक सेल बनेगा इसमें बीच में आ जाएगा। तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं, आप देखो क्या हुआ कि ये सारे सेल मिलके एक सेल बन गए और जो भी लिखा हुआ था मैंने कॉर्नर में वो ऑटोमेटिकली बीच में आ गए। अब इसी के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, अंडू कर देते हैं, एक स्टेप पीछे कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल का। अभी आपने देखा मर्ज एंड सेंटर, जिसमें इसने मर्ज किया और जो लिखा हुआ था उसको सेंटर में भेजा, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मर्ज करता हूँ तो क्या होगा कि ये सबको एक सेल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो आपका कंटेंट है वो लेफ्ट में था तो वो लेफ्ट में ही रहेगा, वो सेंटर में नहीं जाएगा। इसके बाद दोबारा से इसको अंडू करते हैं। अगला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिलता है वो मिलता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस में क्या होता है कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे हमने ये जो सेल है इसको हमने सेलेक्ट किया और मैं इसे कर रहा हूँ मर्ज। तो मर्ज करने से क्या हुआ कि इसकी जो ये सीधी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो भी यहाँ पे गायब हो रही है, ये भी गायब हो गया और वर्टिकल लाइन भी गायब हो गया, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल दोनों यहाँ पे गायब हो गए। लेकिन अगर हम करें सिर्फ और सिर्फ इसको मर्ज अक्रॉस, जैसे ये तीन सेल मैंने यहाँ सेलेक्ट किए और मैं इसको यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दे रहा हूँ ताकि आपको डार्क क्लियर दिखाई दे यहाँ पे। अब अगर मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और अच्छे से, अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मर्ज अक्रॉस, आप नोटिस करो क्या फर्क आया। यहाँ पे किया था तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इसकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल, जो यहाँ पे खड़ी लाइन थी और सीधी लाइन थी, ये दोनों ही गायब कर दी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका जो वर्टिकल लाइन था सिर्फ वो यहाँ पे गायब हुआ और यहाँ पे भी सिर्फ वर्टिकल लाइन ही यहाँ पे गायब हुई। तो ये होता है मर्ज अक्रॉस में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो वर्टिकल लाइन है सिर्फ और सिर्फ वो गायब होगा। इसी के बाद अगर आप यहाँ जाके इसको सिंपली अनमर्ज कर देते हो तो ये पहले जैसा हो जाएगा, क्लियर हो गया। सेलेक्ट करते हैं, यहीं पे जाते हैं, अनमर्ज कर देते हैं तो ये पहले जैसा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हटाया और यहाँ पे कर देते हैं नो बॉर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे हमने राहुल चौधरी लिखा है, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। अब अगर आप ये जो चीज़ हमने लिखी है, अगर इसको आप इस बड़े सेल में एडजस्ट करना चाहते हो, बीच में, साइड में, लेफ्ट राइट, जहाँ पे भी, तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट के कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सीधा टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो यहाँ पे हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं।
अब इसके बाद अगर आप इसको अलग अलग एंगल में यहाँ पे देना चाहो, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरीके से हो गया या फिर इस तरीके से हो गया, जिस एंगल में भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। अगर आप इसे दोबारा सीधा करना चाहते हो आप फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाओ, इसके जो ये डायरेक्शन है इसको आप यहाँ पे ज़ीरो कर दो। तो हमने इसको काटा और यहाँ पे ओके किया, पहले जैसा ये यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इसे धीरे धीरे आगे करना चाहते हो तो आप इंक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हो, धीरे धीरे पीछे करना है तो आप डिक्रीज इंडेंट का यूज़ कर सकते हो। तो ये था दोस्तों अलाइनमेंट ऑप्शन, जिसमें मैंने आपको रैप, मर्ज और अलाइनमेंट के ऑप्शंस बताए। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।